हाई एम्पेयर लेने के क्या क्या रीज़न होते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आए हुए हैं लक्ष्मी एंटरप्राइजेस के पास, जहां पर जेसीबी के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। तो यही वो वाटर डिस्पेंसर है जो कि ये कूलिंग नहीं कर रहा, यही प्रॉब्लम बताया था भैया ने, सडनली इसकी कूलिंग गायब हो गई थी। तो वही चेक करने आए हम इसे, जब हमने चला के देखा तो यह हाई एम्पेयर ले रहा है। हाई एम्पेयर लेने के जो रीज़न होते हैं, कभी कभार जो रीज़न होता है वो रिले ओवरलोड का होता है, पर मोस्टली जो रीज़न होता है वो होता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, उसका रोटर जाम हो जाता है, जिस वजह से ये हाई एम्पेयर लेता है। तो दोस्तों कंप्रेसर वगैरह चेक करने के बाद हमने इसके अंदर नया रिले और ओवरलोड लगाकर एक बार तुक्का मार के देख लिया, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भाई कंप्रेसर रिप्लेस होगा। क्योंकि एक आधा परसेंट से अंश होता है कि रिले ओवरलोड चेंज करने के बाद कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो वो भी कोशिश हमने कर ली। फिर लगाया हमने बोर्ड में तार और चला के देख रहे हैं चलेगी या नहीं। तो दोस्तों ये चला नहीं। अब इसके अंदर जो काम होना है वो कंप्रेसर का काम होना है, कंप्रेसर निकलेगा फिर गैस डलेगी। तो भैया को हमने ये प्रॉब्लम बताई, भैया ने कहा भैया कॉस्ट ज़्यादा लग रही है क्योंकि इन्हें ओरिजिनल चाहिए। तो मैंने इन्हें शॉप वगैरह की लोकेशन बता दी, मैंने कहा आप लिया हो गैस डालने के और फिटिंग के पैसे दे देना आप। कहने लगे काफ़ी पुराना हो चुका है, अब हम नया ही ले आएंगे, क्या फ़ायदा पैसे लगाकर इसके अंदर, इतनी महंगी तो मिलती नहीं है वाटर डिस्पेंसर। तो मैंने भी उनकी बातों से एग्री करते हुए उनसे विज़िट लेकर अपने शॉप की तरफ वापसी आ गया। बाकी आप लोग कमेंट